हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 10 बेस्ट यूजफुल एंड्रॉयड ऐप्स के बारे में जिसे आपको यूज करना चाहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक जरूर करें। तो हमारे लिस्ट का पहला ऐप है गेमिंग मोड। अगर आपको मोबाइल गेम्स खेलना पसंद है और आप परेशान हैं इरिटेटिंग नोटिफिकेशंस और अपने गर्लफ्रेंड के कॉल से, तो ये ऐप आपकी हेल्प कर सकता है। ये उन अनवांटेड नोटिफिकेशन को हाइड कर देता है और आने वाले कॉल्स को ऑटो इग्नोर कर देता है जब भी आप उस पार्टिकुलर गेम को खेल रहे होंगे। हालांकि ये फीचर अब न्यू स्मार्टफोन्स में पहले से ही अवेलेबल होता है, लेकिन पहले के फोन्स में जिनमें ये फीचर्स नहीं है उनमें आप इस ऐप को यूज कर सकते हैं। तो अगर आप इस ऐप को यूज करते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि ये ऐप आपको कैसी लगी। हमारे लिस्ट की नेक्स्ट ऐप है बॉटम क्यूक सेटिंग्स। ये ऐप क्यूक सेटिंग्स को फोन के बॉटम से कंट्रोल करने में हेल्प करता है। अगर आपके मोबाइल का स्क्रीन काफी बड़ा है और टॉप नोटिफिकेशन बार ओपन करने में आपको दिक्कत हो रही है तो ये ऐप बिल्कुल आपके लिए है। आपको बस कुछ एक्सेस देने होंगे। इससे आप वाईफाई, हॉटस्पॉट, ब्लूटूथ जैसी सेटिंग्स को आप अपने बॉटम से टॉगल कर सकते हैं और ये ऐप काफी स्मूथ चलती है, बिल्कुल नेटिव ऐप की तरह। हालांकि ओप्पो के फोन्स में ये पहले से ही है कि उनका जो क्यूक सेटिंग्स है बॉटम से ओपन होता है, लेकिन जिन फोन्स में ये अवेलेबल नहीं है उसमें आप इस ऐप को यूज कर सकते हैं। और मुझे तो ये काफी अच्छा लगा, मैं भी इसे पर्सनली यूज करता हूँ अपने फोन में और ये काफी अच्छा काम करता है। हमारे लिस्ट की नेक्स्ट ऐप है डे वाइज। अगर आप भी अपने सोशल मीडिया नोटिफिकेशन को चेक करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हैं और आप अपने काम पर फोकस नहीं कर पाते हैं तो ये ऐप आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर सकती है। आप इस ऐप में सारे नोटिफिकेशन को एक शेड्यूल पर फिक्स कर सकते हैं कि आपको कब चाहिए वो नोटिफिकेशन। तो ये एप्लीकेशन उस टाइम इंटरवल में आने वाले सारे नोटिफिकेशन को एक बंडल बना करके आपके शेड्यूल पे स्क्रीन पे शो कर देता है, जिससे कि आपका टाइम भी सेव हो जाता है और आप डिस्ट्रैक्शन से भी बच जाते हो और आप अपने काम पर फोकस करके अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हो। तो मुझे तो ये ऐप काफी अच्छी लगी, आप बताएं कि आपको ये ऐप कैसी लगी। हमारे लिस्ट की नेक्स्ट ऐप है क्लिक टू चैट। अगर आपको किसी को व्हाट्सअप करना हो बिना उसके नंबर को सेव किए हुए तो ये एप्लीकेशन काफी अच्छा और सिंपल इंटरफेस के साथ है। बस आपको उसका व्हाट्सअप नंबर डायल करना है और ओपन बटन पर क्लिक करना है, उसका नंबर आपको व्हाट्सअप में ओपन हो जाएगा, फिर आप उसे टेक्स्ट या कॉल कर सकते हो व्हाट्सअप पर। ये काफ़ी यूजफुल ऐप है। अगर आपको भी किसी बंदे से डेली बात करना पड़ता हो, न्यू बंदे से वन टाइम के लिए, या फिर ऐसे बंदे से जिसका कि कॉन्टैक्ट नंबर सेव करना जरूरी नहीं है। हमारे लिस्ट की नेक्स्ट ऐप है स्पार्क पोस्ट। ये ऐप मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा अच्छी लगी और शायद आपको भी लगेगी। अगर आप सोशल मीडिया पर स्टोरीज एंड इमेजेस शेयर करने के शौकीन हैं तो ये ऐप आपके स्टोरीज को और भी ज़्यादा कूल बना देगी। इमेज रिसाइजिंग की टेंशन भी नहीं रहती इसमें, क्योंकि इसमें आप पहले से ही डायमेंशन चूज कर सकते हैं अपने हिसाब से। इसमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और भी सारे सोशल मीडिया के साइजेस प्री मेड अवेलेबल हैं। इसमें आपको प्री मेड टेम्पलेट भी मिल जाता है जिसका यूज करके आप अपने इमेज को एडिट कर सकते हैं। इसमें काफी सारे टेक्स्ट भी अवेलेबल है, काफी फिल्टर अवेलेबल है जिनका यूज करके आप अपने इमेजेस को इन्हेंस कर सकते हैं। तो ये ऐप काफ़ी बेस्ट है उनके लिए जो कि डेली स्टोरीज शेयर करना पसंद करते हैं सोशल मीडियाज पे। हमारे लिस्ट का नेक्स्ट ऐप का नाम है हैशटो। ये ऐप पॉपुलर एंड ट्रेंडिंग हैशटैग्स को फाइंड करके देता है जिससे आपके इंस्टा पोस्ट पे मैजिकली लाइक्स इंक्रीज हो जाते हैं। यूजर इंटरफेस काफ़ी अच्छा और सिंपल है। सिंपली आपको हैशटैग को सेलेक्ट करना है और कॉपी करके आप इंस्टाग्राम पे यूज कर सकते हो डायरेक्टली। इसका बेस्ट पार्ट ये लगा मुझे कि ये किसी भी इमेज के लिए ऑटोमेटिकली हैशटैग एंड कैप्शन दोनों फाइंड आउट करके दे देता है आपको और आप उसे कॉपी करके यूज कर सकते हैं अगेन। इसमें आपको कैटेगरी वाइज भी हैशटैग्स एंड कैप्शन मिल जाएंगे। इसमें इंस्टा स्टोरी एंड पोस्ट को डाउनलोड करने का भी ऑप्शन मिल जाता है। तो अगर आप एक इंस्टा लवर हो तो ये ऑल इन वन ऐप है इंस्टाग्राम के लिए। हमारे लिस्ट का नेक्स्ट ऐप है हाइपोकैम। अगर आपको ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी पसंद है तो ये ऐप काफी अच्छी है ब्लैक एंड व्हाइट फोटोज के लिए। यहाँ पे आपको ब्राइटनेस एंड कॉन्ट्रास्ट का कंट्रोल मिल जाता है और आप RGB कलर्स को भी कंट्रोल कर सकते हो लाइव, और यहाँ पे कुछ लाइव फिल्टर्स भी दिए गए हैं जिसका कि आप फोटो क्लिक करते टाइम ही यूज कर सकते हो। ये काफी सिंपल ऐप है ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी के लिए।
हमारे लिस्ट की नेक्स्ट ऐप है नियोलाइन। ये एक 3D लाइव वॉलपेपर ऐप है जो कि आपके फोन को एक कूल सा लुक देता है और ये काफी अच्छा लगता है। इसमें बैकग्राउंड से कुछ नियोन लाइट से मीट होते हैं जो कि ब्लैक बैकग्राउंड के साथ आपके फोन को एक बेहतरीन लुक देता है। बैटरी थोड़ा ज्यादा कंज्यूम होगा इसमें, पर अगर आप अपने बैटरी के साथ कॉम्प्रोमाइज करके अपने फोन को कूल बनाना चाहते हैं तो आप इस ऐप का यूज कर सकते हैं। हमारे लिस्ट का नेक्स्ट ऐप है LED कीबोर्ड। ये एक कस्टम कीपैड ऐप है जो आपके कीपैड में RGB लाइट इफेक्ट देता है जो आपके मोबाइल के कीपैड को कलरफुल एंड कूल बनाता है। इसे बस इनेबल करना है और यहाँ आपको थीम ऑप्शंस भी मिल जाते हैं, आप जो चाहे सेट कर सकते हैं। फिर जब भी आपका कीपैड इनेबल होगा तो उसमें कलरफुल लाइट इफेक्ट दिखेगा। तो आप बताएं ये ऐप आपको कैसी लगी, और अगर आप इस ऐप का यूज करना चाहते हैं तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। हमारे लिस्ट का लास्ट ऐप है लेंस डिस्टॉर्शंस। ये एक इमेज एडिटिंग टूल है जिसकी हेल्प से आप अपने इमेज पे लेंस फ्लेयर इफेक्ट को ऐड कर सकते हैं। सिंपली आपको इमेज सेलेक्ट करना है और आपको यहाँ पे काफी सारे इफेक्ट्स मिल जाते हैं जिन्हें आप इजीली अपने इमेज पे यूज कर सकते हैं। काफी सिंपल सा कॉन्सेप्ट और ऐप है, पर काफी ज्यादा इफेक्टिव है। उम्मीद है आपको आज के लिस्ट की सारी ऐप पसंद आएंगे। सारे ऐप्स का लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। और फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक एंड शेयर जरूर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में।